सबसे पहले अरशद आबिद साहब, मैं आपके पास आना चाहती हूं। समझना यह है कि सीरियल ऑफेंडर कहा जाता है जो बार बार एक ही तरह की गलती करे। न सिर्फ एक कुर्सी का, एक महिला सांसद जो लोकसभा स्पीकर की कुर्सी पर बैठी थी, उनका अपमान किया है, बल्कि एक बहुत ही अभद्र सोच का इजहार किया है। आप किसी के साथ मजाक को बेहूदगी के स्तर तक कैसे ले जा सकते हैं? ऐसी बात कहेंगे आप किसी महिला के लिए कि नजर, खैर वो बातें हम दोहरा नहीं सकते हैं यहाँ पर, ऐसी बातें हैं। अरशद आबिद, देखिए अंजना जी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस और जो एनसीपी या आरजेडी और ये आपके टीएमसी जो पार्टी हैं, जो रीजनल फोर्सेस हैं, इसमें कांग्रेस नेशनल पार्टी है, इन पार्टियों ने हमेशा महिलाओं को सम्मान देने का काम किया है। खासकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव जी ने और अखिलेश जी ने अपने मंत्रिमंडल में भी काफी महिलाओं को जगह दी। और आपके याद होगा जब समाजवादी पार्टी के 16 सांसद होते थे तो उन 16 में 6 महिला सांसद होती थी। और पिछली बार जब समाजवादी पार्टी की, तो आज अखिलेश यादव क्यों थे मैदान में? 35 विधायक, नहीं, आज अखिलेश यादव आजम खान के समर्थन में, एक सेकेंड प्लीज देखिए, अगर आपको मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव के सामने अपने मार्क्स बनाने हैं ना, तो कहीं और जाकर उनकी प्रशंसा कीजिए, ये मंच उसके लिए नहीं है। मैंने आपको इसलिए बुलाया है कि आप मुझे ये दलील दीजिए और समझाइए कि आखिर एक व्यक्ति ऐसी बात कैसे कह सकता है, और अखिलेश यादव उसके, उनको फौरन कहना चाहिए था कि ये अफसोसनाक है और ये शब्द वो वापस ले, इसके बजाय वो उनको डिफेंड करने के लिए उतर गए। खुद महिला आपत्ति जाहिर करे, एक सेकेंड अरशद आबिद, ये अंजना ओम कश्यप या किसी और व्यक्ति या किसी रविशंकर प्रसाद, किसी दूसरे मंत्री की बात नहीं है कि वो आपत्ति जाहिर कर रहे थे। जब उस महिला ने आपत्ति जाहिर की, जो कि न सिर्फ एक सांसद है, उस समय लोकसभा की स्पीकर की कुर्सी पर बैठी है, उनके आपत्ति जाहिर करने के बाद भी माफी नहीं मांगनी चाहिए थी? कैसी बात कर रहे हैं? अखिलेश यादव डिफेंड कर रहे थे उनको? आप सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए आप, समाजवादी पार्टी ने हमेशा महिलाओं का सम्मान किया है। और आप आजम खान साहब के पूरे भाषण को सुन के देखिए, आजम खान साहब ने कहा है कि वो मेरी बहन है। किया था जया प्रदा का सम्मान, मुझे याद है, जया प्रदा के लिए क्या कहा था अरशद आबिद? अपमानजनक नहीं कहा गया है कि कोई ऐसी बात नहीं की है कि किसी महिला को ठेस पहुंचे, महिला समाज को ठेस पहुंचे। आजम खान साहब ने बार बार कहा है कि मेरी बहन है और मेरी बड़ी प्यारी, किसी को बहन और भाई बनाने की जरूरत नहीं है। आरएसएस के लोग उन सारी बातों को बड़ा मुद्दा बना लेते हैं। एक सेकेंड, पावर इनके पास है, एक सेकेंड इनके पास है, नहीं, एक सेकेंड ना भाई, जो भाजपा के वही सही। ये जो बहन भाई बनाने की प्रथा है ना, इसको अपनी जेब में रखिए, अपने घर में रखिए। ये राखी लेकर राखी बंधवाने की बात अलग है, सम्मान देना होगा और अपशब्दों का, ऐसे बेहूदे मजाकों से बचना होगा। आपको इस बात की गंभीरता समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? जयाप्रदा के लिए क्या बोला था? यही सम्मान है, तब भी अखिलेश यादव कुछ नहीं बोले और आज अखिलेश यादव उनके बचाव में उतरे। जैसे ही स्पीकर की कुर्सी पर बैठी सांसद ने कहा कि माफी मांगनी चाहिए, फौरन माफी मांगनी चाहिए थी आजम खान को, क्यों नहीं माफी मांगी? देखिए मैं बताऊं आपको, क्यों नहीं उनकी सदस्यता जानी चाहिए? आजादी छोड़कर भाजपा में गए तो जया बच्चन जी के लिए क्या बोला? और भाजपा के 40-50 इस तरह के सांसद है जो हमेशा महिलाओं के खिलाफ, वो भी उतने ही गलत है, वो भी उतने ही गलत है। क्योंकि आजम खान साहब ने कुछ भी नहीं कहा है, फिर भी जो एक बवाल बना खड़ा किया जा रहा है, जब वो कह रहे हैं कि मेरी बहन है, मेरी प्यारी बहन है, तो सारी बातें खत्म हो जाती हैं। और फिर हमारा ये कहना है कि सभी पॉलिटिकल पार्टियों को, जितनी पार्टियां हैं, महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, महिलाओं को इज्जत करनी चाहिए और ऐसी टिप्पणियों से, ऐसी बातों से बचना चाहिए कि जिससे किसी महिला को शर्मिंदगी उठानी पड़े या महिला का दिल दुखे या मरे सब महिला को परेशानी हो। किसी भी पार्टी शाहनवाज हुसैन जी को दिखाइए, उसके बाद मारियो सर। शाहनवाज हुसैन जी, अब बताइए, आप जवाब दीजिए, क्योंकि ये जवाब में यही दलील आती है सामने कि बीजेपी के भी तो इतने सांसद हैं। और ये सही है कि तमाम ऐसे सांसद और ऐसे मंत्री रहते हैं जो अपमानजनक बातें महिलाओं के लिए करते हैं, लेकिन तब आप नहीं सोचते, तब हर कोई पीछे चला जाता है दरवाजे के, और इसीलिए उंगलियां उठती हैं, तर्क में ये बातें कही जाती हैं, हर पार्टी आज कटघरे में है इस मामले में। देखिए सवाल ये है कि आजम खान को क्या ये ठेका दे दिया है समाजवादी पार्टी ने महिलाओं के अपमान का? आजम खान इसमें अपने आप को चैंपियन समझते हैं? आज तक के हल्ला बोल में आजम खान के नाम पे चर्चा हो रही है, अगर ये नहीं बोलते तो कोई चर्चा अंजना ओम कश्यप नाम लेती उनका? उनकी उनकी जो तकरीर थी उसमें कोई दम नहीं था, इसलिए गाली गलौज पर आ गए। आजम खान की आदत है, भू माफिया का इल्ज़ाम लगा है, आज मुकदमा दर्ज हुआ है, विचलित हुए हैं, तब क्या करें? तो कोई कंट्रोवर्सी पैदा कर दे। इसी तरह की कंट्रोवर्सी पैदा की जिस दिन पहले दिन केस दर्ज हुआ था, तब कह दिया कि हमारे पूर्वजों ने बहुत बड़ा जुल्म किया, जो यहाँ रह गए, बहुत बड़ा एहसान मान रहे हैं वो यहाँ रहकर।
और आज जिस तरह की भाषा बोली है, मैं समझता हूँ इस पूरे पार्लियामेंट में वो जानबूझकर बोली हुई भाषा है। पार्लियामेंट में हम लोग भी बहुत तकरीर कर चुके हैं, कई बार अगर कोई बात जबान से निकली तो तुरंत उसके लिए अगर चेयर से निर्देश आ जाए तो उसमें एक मिनट की देरी नहीं होती है। लेकिन जानबूझ के इस तरह का बयान, जानबूझ के कंट्रोवर्सी पैदा करना, जानबूझ कर चर्चा में रहना, आज़म खान अपनी ज़मीन खो चुके हैं। समाजवादी पार्टी की जो आज हालत हुई है उसके लिए 50% कोई जिम्मेदार है तो वो आज़म खान है। अगर डिंपल जी आज नहीं पहुंची पार्लियामेंट में उसके लिए जिम्मेदार हैं तो आज़म खान है, क्योंकि हर महिला को लगता है कि समाजवादी पार्टी महिलाओं की सबसे बड़ी दुश्मन पार्टी हो गई है। तो उनका सबसे बड़ा नेता जिस तरह की भाषा, जिस तरह की जबान जयप्रदा जी के लिए बोला, महिलाओं के लिए बोला, हम कभी इसको स्वीकार नहीं कर सकते। ठीक है, एक सेकंड, मैं समझता हूँ।